दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो लाइन चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे सबसे पहले। तो गाइस फाइनली जो है पेटीएम ने अपना पेटीएम वैलेट को जो है पेटीएम पेमेंट बैंक में कन्वर्ट कर दिया है। तो जैसा कि आप लोग पास 2 या 3 दिन पहले से जो मैसेजेस आ रहे होंगे कि आपका जो वैलेट है उसे पेटीएम पेमेंट बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपके लिए जो है कुछ सवाल को लेने जा रहा हूँ ताकि जो है आपका पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में जो भी सवाल हो यहाँ पे जो है क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला जो सवाल है मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो इसमें क्या है कि जो पैसा है हमारा, जो भी हमें सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में जमा करेंगे वो पैसा कहाँ यूज़ होगा। तो वो पैसा जो है यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि वो उस पैसे को जो है ये लोग गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदने में यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि जो है देश को भी फ़ायदा मिले। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाली है वो 4% की इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगी जो कि आपकी एनुअली होगी। तो ये काफ़ी कम है लेकिन आपको इसका फ़ायदा जो है हर महीने मिल जाएगा क्योंकि ये 4% की जो भी इंटरेस्ट रेट होगी उसको डिवाइड करके जो है आपको हर मंथली दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है पेटीएम पे बैंक जो है किस तरीके से डिफरेंस होने वाला, तो ये दूसरा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो जो भी अभी तक आपको फाइनेंशियल सर्विस जो भी होती है बैंक से रिलेटेड वो आपको सारी यहाँ पे मिलेंगी, जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या फिर डेबिट कार्ड की या ऑनलाइन बैंकिंग की या मोबाइल बैंकिंग की, कुछ इस तरीके की जो सर्विसेज होती हैं यहाँ पे आपको मिलेगी। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे जो है कि मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक किस तरीके से हमें क्या सर्विसेज ऑफर करेगा। तो यहाँ पे जो है जितनी भी फाइनेंशियल सर्विस होती हैं, चाहे आपकी इंश्योरेंस की हो या फिर म्यूचुअल फंड की हो या फिर जो है आपकी लोन की हो, तो इस तरीके की सर्विसेज को यहाँ पे ये पूरा करेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे कैसे आप ओपन कर सकते हैं अपना नया पेटीएम पेमेंट बैंक, तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा पेटीएम पेमेंट बैंक .com पे। यहाँ से जो है आप एक नया ओपन कर सकते हैं अकाउंट को, ठीक है। और उसके बाद मैं बता देता हूँ कि आपका क्या होगा, जो आपका वैलेट है उसका क्या होगा। तो आपका वैलेट उसी तरीके से काम करता रहेगा, अगर आप पुराने यूज़र हैं तो उसी तरीके से काम करता रहेगा। अगर आपने 6 महीने से यूज़ नहीं किया तो वो आपका बंद हो चुका होगा या फिर बंद हो जाएगा। उसके बाद मैं बता दूँ कि आपकी जो भी चीज़ें होंगी अभी तक जो काम कर रही थी हैं वो अभी तक 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड में काम कर रही थी, बट वो जो है अब जो है वो आपका पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड में काम करेगी। उसके बाद जो है आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ कि कैन आई चूज़ नॉट टू मूव पेटीएम पेमेंट बैंक। तो आप जो अगर चाहते हैं कि आपका पेटीएम पेमेंट बैंक पर ना कन्वर्ट हो तो यहाँ पर से आपको मेल करना पड़ेगा care@paytm.com बैंक पे करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से जो है यहाँ मेल आईडी आपको मिलेगी, तो वहाँ से आप कर सकते हैं, तो आपका कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो है एक नया क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ कि अगर आपके पास स्टोर है तो वहाँ पे जो है आप अगर पेटीएम से पेमेंट को एक्सेप्ट करते हैं तो उसका क्या होगा। तो जैसा कि अभी वैलेट काम कर रहा है आपका वैसा वैलेट काम करता रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। आप उसी तरीके से जो है अपना स्टोर का काम कर सकते हैं और इसके लिए आपको कुछ भी अलग से नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख लेते हैं कि यहाँ पर, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, नीचे चलते हैं थोड़ा सा कि क्या करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है आई हैव नॉट डन माई KYC, कैन आई गेट ए पेटीएम पेमेंट बैंक। तो अगर आपने KYC कंप्लीट नहीं की है तो आपको जो है पेटीएम पेमेंट बैंक में आपको जो है कन्वर्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि इसके लिए KYC होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी KYC कंप्लीट है तभी जो है आपको पेटीएम पेमेंट बैंक की सुविधा मिलेगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आपको इन्विटेशन मिलेगा इसका। तो यहाँ से आपको आना है पेटीएम पेमेंट बैंक में। तो यहाँ पर आपको जैसे आएंगे paytm.com पे, तो आपको यहाँ नीचे जो है रिक्वेस्ट एंड इन्विटेशन के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको रिक्वेस्ट अप्लाई करनी है ताकि जो भी बीटा का ऐप पहले आए इसका वो आपको यहाँ पे मिले। तो यहाँ तो गाइस आपको अकाउंट खोलने के लिए यहाँ पे जो है कुछ भी देना नहीं है, आपको 0 रुपीज़ पे अकाउंट खुल जाएगा। 4% की आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगी। यहाँ पे जो IMPS, UPI और NFT की सर्विस जो है आपको फ्री मिलेगी, वो भी अनलिमिटेड। तो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आराम से कर पाएगा। यहाँ पर आपको रुपये कार्ड जो है मिलेगा फ्री में, लेकिन अगर आप चाहते हैं रुपये का कार्ड जो है फिजिकल रूप से मतलब कार्ड चाहते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपये प्लस डिलीवरी चार्जेस देना पड़ेगा। अगर आपका कार्ड खोता है तो उसके लिए 100 रुपये प्लस डिलीवरी चार्जेस देना पड़ेगा। यहाँ पे चेकबुक आपको मिलेगी, उसके लिए भी आपको 100 रुपये प्लस डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप पेटीएम के ATM से ट्रांजेक्शन करते हैं तो 5 बार फ्री है और मेट्रो लोकेशन में जो है 3 बार फ्री है। यहाँ पर जो है ऑनलाइन पासबुक की सुविधा आपको फ्री में मिल जाएगी और ईमेल पे अगर आप चाहते हैं स्टेटमेंट तो वो भी आपको फ्री में मिलेगी, लेकिन अगर आप लिखित में चाहते हैं तो उसके लिए आपको 50 रुपये प्लस डिलीवरी चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह थे तो वो आप मैंने यहाँ पे क्लियर किए हैं। इस तरीके से जो है आप पेटीएम पेमेंट बैंक का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड।